हे फ्रेंड, मैं हूं रूपाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर ग्राउंड रेसिपीज। आज हम बनाएंगे मूंग दाल की खिचड़ी, जो कि बहुत आसान और टेस्टी रेसिपी है। बहुत ही कम समय में ये बन जाती है और ये प्रोटीन से भरपूर रेसिपी है। बच्चों से लेके बड़ों तक इसको सभी पसंद करेंगे और ख़ास बात, ये डाइजेशन के लिए भी बहुत बढ़िया फूड है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए चावल। आप जो भी चावल खाना पसंद करते हैं वो चावल आप इसके लिए ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे मैंने लिए है 1/3 कप चावल और यहाँ पे मैंने लिए है ये छिलके वाली मूंग दाल। जितने मैंने चावल लिए हैं उतनी ही मैंने मूंग दाल ली है और छिलके वाली ही ले, इससे बहुत ही बढ़िया बनती है हमारी खिचड़ी। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है 3 चम्मच ऑयल। आप चाहे तो घी या ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने डाले है तेज़पत्ता और ये 2 हरी मिर्च को मैंने इस तरह से स्प्लिट करके डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ना डालें। और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है राई, इसको हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। और इसमें मैंने डाले हैं 1/2 चम्मच जीरा, 4-5 लौंग और ये 5-6 लहसुन की कलियाँ, इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। हमेशा लहसुन को कट करके ही डालना चाहिए, तभी बढ़िया लगती है मूँग दाल की खिचड़ी। हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और गैस की फ्लेम लो रखिएगा, बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए हमारा लहसुन। और यहाँ पे मैंने इसमें डाला है पानी, यहाँ पे मैंने लगभग 2.5 कप पानी डाला है। मूंग दाल की खिचड़ी के लिए ज़्यादा ही पानी डालना चाहिए, तभी वो उसकी कंसिस्टेंसी सही बनती है। स्वादानुसार नमक डालें। जब तक पानी में उबाल आता है तब तक हम चावल को और दाल को अच्छे से धो लेंगे। 2 से 3 पानी से इसको धो लेना है अच्छे से। और जब पानी में उबाल आ जाएगा अच्छे से, तब गैस की फ्लेम लो कर दे और इसमें ये डाल दे। चावल डालते समय हमेशा ध्यान रखें गैस की फ्लेम लो रखिएगा, क्योंकि हमने पानी को उबाला होता है। जब ये इसमें हम डाल देंगे तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको घी पसंद है तो आप इसमें अभी से 1 चम्मच घी डाल दीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी बहुत बढ़िया बनती है खिचड़ी। अब इसका ढक्कन लगा देते हैं और इसकी हम 4 सीटियाँ लेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से ठंडा होने देना है। जब इसकी पूरी स्टीम निकल जाएगी तो इसका ढक्कन खोल देना है। ये देखिए, बढ़िया, बहुत ही सही कंसिस्टेंसी बनी है खिचड़ी की और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसको आप घी के साथ गर्मा गर्म परोसे, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। तो आज हमने बनाई मूंग दाल की खिचड़ी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी रेसिपी अच्छी लगी है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल आर ग्राउंड रेसिपीज़। तो फिर मिलेंगे इस मंगलवार ऐसी ही और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू माय फ्रेंड।